हाय फ्रेंड्स, क्या आपका भी जीमेल अकाउंट डिसेबल हो चुका है, वो भी चाइल्ड बीइंग अब्यूज्ड की वजह से? तो डोंट वरी गाइस, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा, मतलब आपका जीमेल अकाउंट डिसेबल क्यों हुआ है, वहां से लेकर क्या सॉल्यूशन है इसका, इसको रिकवर करने तक मैं पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दूंगा इस वीडियो में। अगर ना दिया तो आप लोग जो चाहिए वो मुझे बोल सकते हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र पे आके जीमेल अकाउंट रिकवरी यहाँ पे आपको सर्च करना होता है, ठीक है? जैसे आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे तो हाउ टू रिकवर योर गूगल अकाउंट और जीमेल ऐसा कुछ आपको शो होगा। तो यहाँ पे रिकवर योर गूगल अकाउंट आपको दिख रहा होगा, ठीक है? सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है तो आप अकाउंट रिकवरी पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ईमेल डाल देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल देना है, क्योंकि यहाँ पर डिसेबल हुआ है तो पासवर्ड मुझे याद है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर सिंपली अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे देखो टू स्टेप वेरिफिकेशन इसमें ऑन हुआ है, तो ये थोड़ा सा वेट लेगा, उसके बाद मुझे यहाँ पे कोड भेजेगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मुझे कोड आ चुका है, 01 लास्ट मोबाइल नंबर है। तो सिंपली आपको यहाँ पे अपना कोड जो है कॉपी पेस्ट कर देना है। मैं यहाँ पे अपना कोड डाल देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो वीडियो में आप इन तक बने रहिए, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड दूंगा, तो टेंशन आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हो मेरा प्रोसेस आगे बढ़ चुका है और यहाँ पे जो है मेरा अकाउंट जो है डिसेबल हो चुका है। योर अकाउंट हैज बीन डिसेबल और किस वजह से हुआ है? इट लुक्स लाइक कॉन्टेंट दैट इन्वॉल्व चाइल्ड बीइंग सेक्सुअली अब्यूज्ड और एक्सप्लॉइटेशन। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि मतलब बच्चों का शोषण हुआ है या सेक्सुअली, और या उनको गाली दिया हुआ है, तो इस वजह से मेरा अकाउंट जो है डिसेबल हो चुका है। मतलब या तो मैंने अपने ड्राइव में ऐसा कुछ रखा है कंटेंट, ठीक है? अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट करने पे कुछ ऐसा दिखा रहा है। अब गूगल की यह नई पॉलिसी है, चेंज हो चुकी है कि गूगल आपकी सिर्फ दो ही अपील को चेक करेगा, ठीक है? उसके बाद आपका कोई भी अपील चेक नहीं करेगा, वो देखेगा ही नहीं, ठीक है? सिर्फ दो अपील का रिव्यू करेगा, अगर आपका अपील सही रहेगा तो आपको अकाउंट जो है रिकवर कर देगा, अदरवाइज आपका जो अकाउंट डीएक्टिवेट कर देगा, कभी मतलब रिकवर नहीं करेगा। सिर्फ ये इसकी पॉलिसीज हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ इसके टर्म एंड कंडीशन है क्यों होता है। पहली बात तो मेरा डिसेबल अकाउंट क्यों होता है, चाइल्ड बीइंग सेक्सुअली अब्यूज की वजह से। तो वीडियो में इन तक आप बने रहिए, मैं वीडियो को पूरा खोल खोल के बताऊँगा क्या रीज़न है, क्यों होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं सिंपली अपने क्रोम ब्राउजर पे चलता हूँ, नेक्स्ट टैब ओपन करता हूँ, ठीक है? वहाँ पे जो वेबसाइट दी हुई थी g.co/recover कुछ ऐसा उस वहाँ पे वेबसाइट दी हुई थी, मैं सेम टू सेम वही यहाँ पे डाल देता हूँ। वहाँ पे दिया था g.co/accountappeal ऐसा कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था। तो सिंपली उसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे उसकी पूरी टर्म एंड कंडीशन जो है ओपन हो जाती है, ठीक है? तो वीडियो में इन तक बने रहिए। अब यहाँ पे देखो आपको कुछ नहीं करना है, योर अकाउंट इज डिसेबल यहाँ पे दिखा रहा है, रीडायरेक्ट मुझे कर दिया गया है। अब यहाँ पे नीचे करता हूँ, कंटिन्यू नीचे करने जाना है। डेटा कैसे आपको डाउनलोड करना है डिसेबल अकाउंट की, यहाँ भी इसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो। अगर आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होता है तो आप अपना डेटा डाउनलोड कर सकते हो। आपका अकाउंट क्यों डिसेबल हुआ है, देखो यहाँ पे मेरा चाइल्ड बीइंग सेक्सुअली अब्यूज्ड की वजह से हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको सिंपली पढ़ के आपको बताने वाला हूँ क्या रीज़न है, ठीक है? चाइल्ड बीइंग सेक्सुअली अब्यूज मटेरियल इंक्लूडिंग कार्टून। देखो अगर आप कार्टून टाइप के वीडियो सेक्सुअली जो होते हैं बच्चों की, वो अपने ड्राइव में या गूगल फोटोज़ में रखते हैं, तो आपका जीमेल अकाउंट जो है डिसेबल होना फिक्स है, ठीक है? तो यहाँ दूसरी कंडीशन है चाइल्ड ग्रूमिंग, अगर चाइल्ड ग्रूम करते हैं बच्चों का शोषण करते हैं तो भी वहाँ पे आपका अकाउंट जो है डिसेबल होगा। सेक्सटोरेशन, यहाँ पर मतलब आप बच्चों को ब्लैकमेल करेंगे तो यहाँ पे आपका जीमेल अकाउंट डिसेबल होगा। अब माइनर का सेक्स मतलब सेक्सुअलाइजेशन करेंगे बच्चों का, मतलब जो 18 साल के अंडर होते हैं उनको माइनर बोला जाता है, उन बच्चों को अगर आप सेक्सुअलाइजेशन के लिए उनको बाध्य करेंगे तो भी आपका अकाउंट जो है डिसेबल होने वाला है। तो यहाँ पे लास्ट जो है ट्रैफिकिंग ऑफिसर, मतलब बच्चों का अदला बदली, यहाँ पे बच्चों का अदला बदली करेंगे, उनका शोषण करेंगे, उनको बेचेंगे, तो भी इस तरीके का भी आपका डिसेबल हो जाएगा अकाउंट। अब यहाँ पे कुछ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट की वजह से होता है, अगर आप न्यूडिटी फैलाते हैं, अगर सेक्स के इमेजेस एक्ट हैं वो काम करते हैं, पोर्नोग्राफिक कंटेंट आपके पास है, या आप कुछ ऐसी कॉमर्शियल साइट चलाते हैं जो पोर्न रिलेटेड होते हैं, मतलब पोर्न साइट आप चलाते हैं, तो भी आपका अकाउंट जो है डिसेबल हो जाता है। ये सब तो रीज़न थे, ठीक है? आपका अकाउंट डिसेबल हो जाने की वजह से, चाइल्ड बीइंग सेक्सुअल या सेक्सुअल की वजह से आपका अकाउंट डिसेबल होता है, तो ये सब रीज़न थे। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको थोड़ा सा नीचे मैं करता हूँ, नीचे स्क्रॉल करते जाना है, तो यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखा हुआ है,
अंडर रेगुलेशन 2021-12-32 इफ़ यू थिंक योर अकाउंट वॉज डिसेबल बाई मिस्टेक इन एडिशनल टू रिक्वेस्टिंग यू कैन लॉज अ कंप्लेंट विथ योर कंट्री रिलेवेंट डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। मतलब यहाँ पे देख सकते हो, यू हैव ट्राइड टू जुडिशियल रेमडी बिफोर अ कंपिटेंट कोर्ट। मतलब इसका मतलब यहाँ पे आपको समझने का है, मेन रीज़न यही है, यही चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आप अपना अकाउंट कैसे रिकवर कर सकते हैं, आप जाइए अथॉरिटी के पास। कौन से अथॉरिटी के पास जाना है? योर कंट्री रिलेवेंट डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास। वहाँ पे आपको एक कंप्लेन जो है करनी पड़ती है, रेज करनी पड़ती है, कंप्लेन वहाँ पे करनी पड़ती है कि मेरा अकाउंट जो है बाय मिस्टेक डिसेबल हो चुका है, प्लीज़ यहाँ पे मेरा अकाउंट से ये चीज़ हटवा दीजिए। तो वहाँ पे अथॉरिटी जो है वो सरकार, भारत सरकार हटा देगी, ठीक है। ये चीज़ है, ये चीज़ समझना पड़ेगा आपको, वहाँ पे जाना होगा। अब इसके लिए आप पूरा जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आपको हर चीज़ मिल जाएगा गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो कंट्री की डेटा प्रोटेक्शन रिलेवेंट अथॉरिटी है, वही आपके ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने वाली है। तो आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आपको कोई और चाहिए इन्फॉर्मेशन तो कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज इतना ही, अब चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे अपील करता हूँ, सिर्फ दो ही अपील। अब ध्यान रखिए कि आप गूगल जो है रिव्यू करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली अपील यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो सिंपली मैं लिखता हूँ, हेलो रिस्पेक्टेड गूगल टीम, सिंपली इतना लिखना है। उसके बाद यहाँ थोड़ा मैं फास्ट कर देता हूँ वीडियो को, थोड़ा सा वेट करिए। तो आई रिस्पेक्टेड गूगल टीम, माई जीमेल अकाउंट हैज़ बिन डिसेबल बाई मिस्टेक, इतना लिखना है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है आई रियली अपोलाइज फॉर दिस मिस्टेक, ठीक है। इतना आपको लिखना है और उसके बाद यहाँ पे और थोड़ा सा देखते रहिए, मतलब जो मैं लिख रहा हूँ सेम टू सेम आपको कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, ठीक है। अगर आपको इसका फॉर्मेट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये फॉर्मेट भी डाल दूँ। यहाँ पे आप सभी को सेम टू सेम ऐसे ही लिख लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपसे एक कॉन्टैक्ट ईमेल मांगा जाएगा, जहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड की जाएगी। तो सिंपली आपको अपना वो जीमेल यहाँ पे पेस्ट कर देना है या इंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद अपना जीमेल इंटर करने के बाद यहाँ पे सबमिट अपील पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मैं सबमिट अपील पे क्लिक करता हूँ, मैं पहले तो इसका स्क्रीनशॉट एक रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे देखना पड़ता है कि हाँ किस डेट को मैंने लिया था और उसका रिप्लाई भी आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, 2 दिन में आपको रिप्लाई मिल जाता है, बट कभी कभी ये टाइम जो है आपसे ज़्यादा ले लेता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं इसको रिकवर करके यहाँ पे दिखाऊंगा, मेल पे भी कंफर्मेशन मैसेज आ चुका है। तो फ्रेंड्स, आप सभी बोलते थे कि आप वो लिंक नहीं दिखाते थे, मतलब कैसे आप करते थे पूरा स्टेप। तो देखो, इतना करने के बाद आपके पास गूगल जो है आपका अकाउंट अगर सही पाता तो आपको ऐसा लिंक प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आप सिंपली इस लिंक पे क्लिक करके, गेट स्टार्ट पे क्लिक करके अपना जो जीमेल अकाउंट है वो रिकवर कर सकते हैं। तो इस भाई का भी आ चुका है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करता हूँ। ये दूसरे का मैं स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ, देखो उसका मैं ले नहीं पाया था स्क्रीनशॉट, बाय मिस्टेक या डिलीट हो गया था मुझे ध्यान नहीं आया, बट ऐसे ही आता है। अब मैं यहाँ पे इनका अकाउंट आगे प्रोसेस करके रिकवर कर लेना है। सिंपली कुछ नहीं करना होता, पासवर्ड चेंज करना होता है और अपने डिवाइस पे एक्टिवेट करना पड़ता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे इस भाई का अकाउंट जो है रिकवर हो चुका है, आप देख लीजिए प्रूफ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो इस तरीके से मैंने इस भाई का जीमेल अकाउंट जो है रिकवर कर दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये पूरा वीडियो था, अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर मैं और वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज ये लास्ट वीडियो है इस टॉपिक पे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।